दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिवार को 9 ग्रहों में से एक शनि ग्रह से जोड़ा गया है। जिन लोगों की कुंडली में या हाथ की रेखाओं में शनि प्रबल होते हैं, उन लोगों का आध्यात्म की तरफ विशेष झुकाव होता है। ज्योतिष के अनुसार शनि देव की नाराजगी से बचने के लिए शनिवार को कुछ चीजों के सेवन से बचना चाहिए। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। शनिवार को नॉनवेज का सेवन करने से शनि अत्यधिक क्रूर होकर अशुभ फल देते हैं। खास तौर पर जिन लोगों के जीवन में शनि की दशा ढैया या साढ़े साथी चल रही हो, उन्हें नॉनवेज शनिवार के दिन नहीं खाना चाहिए। शनिवार को लाल मिर्च का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसका कारण लाल रंग के कारण मंगल ग्रह से संबंध और इसकी तासीर है। तीखापन शनि को पसंद नहीं है, वह शीतल पदार्थों को पसंद करते हैं। इसलिए शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए लाल मिर्च का सेवन शनिवार को नहीं करना चाहिए। यदि शनिवार को आप दही का सेवन कर रहे हैं, तो दही में भी पिसा हुआ धनिया, पुदीना, गुड़ या केसर मिलाकर खा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को सादा दूध पीने से भी बचना चाहिए। इसकी जगह दूध में केसर, हल्दी या गुड़ मिलाकर पिए। शनिवार को मसूर की दाल खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल और शनि ग्रह दोनों का स्वभाव क्रोधी है। ऐसे में शनिवार को मसूर दाल खाने से व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध की बढ़ोतरी हो सकती है। शनिवार को अचार, खट्टी और कसैली वस्तुओं के सेवन से भी परहेज रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनसे शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। शनिवार और शनि की दशा में तैलीय चीजों का सेवन ज्योतिष की दृष्टि से बहुत शुभ माना गया है। शराब को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है। इसके सेवन के बाद व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट और भ्रमित हो जाती है। शनि शांत और आध्यात्मिक व्यवहार को पसंद करते हैं। इसलिए यदि शनि की दशा के दौरान शराब का सेवन किया जाए, तो जीवन में धन, मान सम्मान और जीवन हानि का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।